अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, द सन आदित्य, द सूर्य, द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ ह्यूमन माइंड और मनुष्य का सबसे बड़ा अध्यापक, गुरु, ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम है। मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी या अनुमान या अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, जिसके साथ कुदरत की सारी अच्छी चीजें बनाई गई हैं। और मैं इतना ही जानता हूं कि उसके जो चार हिस्से हैं वो अनमोल हैं, जो आज तक इतिहास में किसी ने भी आज तक नहीं दिखाए हैं। पहला हिस्सा 22/21 है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन कहिए, क्रिएशन कहिए, द लॉर्ड ब्रह्मा कहिए, द फर्स्ट स्टेज लॉर्ड ऑफ क्रिएशन नंबर वन। हर चीज 21 में बनी है, जो परफेक्ट है उसको नया बनने के लिए 20 स्टेप की जरूरत है, ये चीज देखी गई है। और हर स्टेज की बात में 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ऑपरेशंस है या कंप्लीशन है, जिसे हम लॉर्ड ब्रह्म विष्णु के 10 अवतार के साथ जोड़ सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है, ये भी जीवन का सत्य है। और तीसरा, कोई भी चीज बनने के बाद, डेवलप होने के बाद उसको कंक्लूड होना चाहिए, संपूर्ण बनना चाहिए, अखंडता आनी चाहिए या मोक्ष आना चाहिए, वो 0.34419 है, जिसे हम लास्ट स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन कह सकते हैं, या लॉर्ड शिवा की पंचभूतों की मैथमेटिकल इक्वेशन कह सकते हैं, जो नंबर कह सकते हैं। और जो बाद में 1.6180 है, वो एक ऐसी रेशियो है जिसे हम डिवाइन गोल्डन दिव्यंक रेशियो कह सकते हैं, जो संपूर्ण है, जो मोस्ट अप्रोक्सीमेट है, हर तरीके से संपूर्ण है। जो इसे जान लेगा वो कुदरत की हर खूबसूरत चीज को समझ सकेगा, जान सकेगा, पहचान सकेगा। यही मेरी जीवन की एक अनमोल आविष्कार है, जिसे हम इतिहास के सारे जितने भी सब्जेक्ट हमें विषय हमें पढ़ाए गए हैं, उनको नए तरीके से संपूर्णता के साथ, अखंडता के साथ देखकर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, जिसमें सारी दुनिया में एक किस्म का ज्ञान हो। मेरी यही कोशिश है कि जो भी हमें स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च में, पूरी दुनिया में सिखाया जा रहा है, वो मैथमेटिकली परफेक्ट नहीं है, वो डिवाइन मैथमेटिक्स नहीं है, मैन मेड कंसेप्ट हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर, चाहे वो अल्जबरा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एल्गोरिदम्स हो, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं, वो मैन मेड हैं, वो डिवाइन नहीं है, जो इंसान की सोच कर नए तरीके बनाए गए हैं, उसमें कुदरत की कोई देन नहीं है। मगर कुदरत की जो असली देन है, उसके दो पंच 22/21 और 10 को वेद उपनिषद में दिखाया गया है। मैंने वो चीजें उनसे ली थी, मगर जहां तक कि लास्ट थर्ड स्टेज है, उसका मैथमेटिकल नंबर कहीं नजर नहीं था, वो मैंने IBM SPS वर्शन 21 के आधार पे ढूंढकर दुनिया के सामने पेश किया है। जिस चीज मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ और कल भी ये दिखाएंगे, जिसने ये समझ लिया, वो कुदरत को हर तरीके से समझ कर आगे अखंडता के साथ, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता से दुनिया में वो ज्ञान देगा जो हर इंसान जाने, समझे, पहचाने, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी और इंसान अपने बलबूते पे आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। यही जीवन का एक सत्य है। आप इसे ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। चांडोक्य उपनिषद में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, आदित्य ब्रह्मते अधेशा, जिसका मतलब कि सन ही साकार ब्राह्मण है, साकार ही हमारे टीचर है, यही आदेश हमें दिया गया है। आप अगर आदित्य को, जो सूर्य को, जो सन को समझ लेते हैं, तो आप सृष्टि को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं किसी भी इंसान को अपना गुरु नहीं मानता हूं, मगर हर इंसान को अपना एक अध्यापक समझता हूं। मैंने उनसे सीखा है, जाना है, पहचाना है, मगर असली मेरी पहचान उसकी कंपैरिजन आदित्य के साथ, या सूर्य के साथ, या सन के साथ करने से जो चीज उभर के आई है, मेरी आत्मा के माध्यम से उभर के आई है, मैं वही दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक माध्यम हूं और
सूर्य भगवान से निकली हुई अदिति जो मेरी इंडवेलिंग सोल है या अंतरात्मा है या कुंडलिनी है, मेरे और कुंडलिनी के बीच में या अंतरात्मा के बीच में जो भी वार्तालाप होती है उसके आधार पे ही मैं साइंस के माध्यम से समझकर और ये गलत है ये गलत है ये गलत है तर्क वितर्क करने के बाद जो ज्ञान उभर के आता है वही मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। यही जीवन का सत्य है और ये आइडिया मुझे आदित्य से लेगा। अगर आप आदित्य को अपना गुरु मानेंगे, वही ब्राह्मण है, वही सब कुछ है, तो आप सब समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य भगवान में ही सारी ही छमिया है जो इंसान को सीखनी है, जिसका जागना उठना काम करना पूरे का पूरा ज्ञान उसी के अंदर है। और यही चीज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर सूरज को समझ लेंगे आप सूर्य सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी तक समझ सकते हैं, इंसान को समझ सकते हैं, प्रगति को समझ सकते हैं, पंचभूतों को समझ सकते हैं, सब संपूर्णता का ज्ञान सूर्य भगवान में ही है। ये ही आज का विषय है, इसे ही मैं एम्फोसाइज करके दिखाकर दुनिया को बताना चाहता हूँ। पहले सूर्य भगवान की खूबियों को देखिए, भूमि की खूबियों को देखिए, अंतरिक्ष की खूबियों को देखिए, स्वर्ग की खूबियों को देखिए, चंद्र की खूबियों को देखिए, तो आप अपने जिस्म में ईड़ा पिंगला सूचना नाड़ी हर चीज को ठीक तरीके से समझ सकेंगे। फिर आपका जीवन ही आपके जिस्म में क्या खराब है क्या ठीक है आपको बता देगा। आप में सुनने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप मन से बुद्धि से अहंकार से अस्मिता से महत से अंतरात्मा तक जाकर सबको एक बनाकर सारी चीजों का आप ज्ञान दुनिया को दे सकते हैं। वही चीज उपनिषद में है, वही चीज वेद में है, वही चीज काफी पौराणिक स्टोरियों में भी नजर आती है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन सब में अखंडता 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 ही है। अब आगे चलते हैं। ये एक ऐसा सिंबल है जिसे मैं अखंड कहता हूँ। अखंड का मतलब संपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, हर खंड को इकट्ठा करके अखंड बनाया गया है। यही सिंपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता है। इसमें भी वो मैथमेटिकल डिजाइन है जो जानने से कुदरत में नजर आता है। जैसे बाहर का हिस्सा है वो 22/21 की रेशो में ही है, वो ऑर्बिट है, वो जो सोलर सिस्टम का जो सिस्टम है वो भी 22 और 21 के बीच में ही चलता है। और हमारे शास्त्र उपनिषद साफ कहते हैं कि सोलर सिस्टम को जानने के लिए 21 हिस्सों को जानना जरूरी है, जिसमें भूमि के साथ हैं, अंतरिक्ष के साथ हैं और स्वर्ग के साथ हैं, ये 21 हिस्से हैं। इसके बाद जो अगर आपको आगे जाना है, जब सचित आनंद को पाना है, जब सेल को रिक्रिएट करके नया सेल बनाना है, तो आपको 22nd स्टेप लेना पड़ेगा। साथ में जो सोलर सिस्टम है वो स्टेटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। वो जो डायनेमिक स्टेटस है वो 22/21 में ही है, कभी 22 कभी 21, कई और 22 और 21 के बीच में ये चलता ही रहता है। इसलिए हमारी वो जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सूर्य भगवान हो या चाहे मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, चांद हो, सब सूर्य भगवान आगे पीछे चल रहे हैं और सूर्य भगवान दूसरे ब्रह्मांड में चल रहा है। जो डायनामिज्म जो स्ट्रक्चर है दुनिया का है, यूनिवर्स का है, वो भी 22/21 में ही है। तो वो एक चीज मैंने जो जानी है पहचानी है, इसलिए मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि वह कुदरत के मैथमेटिकल डिजाइन को समझता हूँ। कुदरत का डिजाइन है ये, मैन मेड डिजाइन या अर्थमेटिक लोगों के सोच के अपने नए नए फॉर्मूले बना के या कंसेप्ट बना के नहीं है, ये कुदरत की देन है। यही ज्ञान मैंने वेद उपनिषद और चीजों में पाया है, नंबर वन। और बीच में आप 10 चक्र देख सकते हैं, दे स्टैंड फॉर 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी जीवन का सत्य है, जिसने इसको समझ लिया समझे उस हर चीज को समझ पाएगा, यही जीव। और बाद में जो 5 हेड्स हैं वो भी इसमें नजर आएंगे, यही सत्य है। और यही आप आगे चलते हैं, ये है आदि पराशक्ति की पिक्चर, जिसे हम निरंकार निर्गुण ब्राह्मण कह सकते हैं और जिसके 18 हाथ हैं। और 18 हाथ में 18 एलिमेंट जो आर्गन को गिफ्ट करते हैं और इससे ही देवी देवता निकले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी उनकी संतान है। और नीचे आप आर्गन को देख सकते हैं और ये डार्क मैटर था क्योंकि सारे के 18
सेंटर की तरफ है, बाहर कोई नहीं जा रहा है, और बीच में आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी 18-18 भी देख सकते हैं या 18-22 भी देख सकते हैं। ये जीवन का पहला सत्य है जिसे आदि पराशक्ति, जिससे सारा क्रिएशन हुआ है, जिसने आदि पराशक्ति को समझ लिया, ग्रेटर यूनिवर्स को समझ लिया, महाब्रह्मांड को समझ लिया, उसके लिए ब्रह्मांड को समझना मुश्किल काम नहीं है। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा अनमोल जगह आदि पराशक्ति को दी गई है, और उनके 18 हाथ हैं, ये भी जीवन का सत्य है, और 18 हाथ 18 एलिमेंट्स हैं, ये 18 प्रोटॉन्स हैं या 18 न्यूट्रॉन्स हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो सभी चीजें उसी से निकली थी। सेकंड सवाल आपका, जो हमारा स्पाइरल सिस्टम है, गैलेक्सी है, जो मिल्की वे का पार्ट है और जिसमें से सोलर सिस्टम है, उसकी माता गॉडेस गायत्री है, और इसमें आप देखिए वो लोटस में बैठी हैं। लोटस का मतलब लॉर्ड ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ, वो 22/21 है। और दूसरी जो एक शक्ति है जिसके 10 हाथ हैं, और 10 हाथ जो हैं वो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आप स्पाइरल गैलेक्सी देख सकते हैं, और उसके 10.344 स्पाइरल्स हैं, ये 10 नहीं है। जिसने 10.344 समय वो अखंडता को समझ पाएगा, 10 में अधूरापन है, 11 में भी अधूरा है, ये भी जीवन का सत्य है। और जिसने ये समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ पाएगा, स्पाइरल गैलेक्सी को समझ पाएगा, सोलर सिस्टम को आसानी से समझे, और स्पाइरल गैलेक्सी में भी 10 सन्स ही हैं, ये भी जीवन का सत्य है। उसके आधार पे स्पाइरल गैलेक्सी बनी हुई है, जो स्पाइरल की तरह चलती है, स्पंदन की तरह चलती है। जिसने स्पंदन को समझ लिया, स्पाइरल वाइब्रेशन को समझ लिया कि हर चीज डायनेमिक स्टेट में है, वो इसी दिशा में चलने वाली है, जिसका सेंटर 22/21 के साथ ही चलता है। ये 22 नंबर और 21 नंबर अपने आप में महान है। इसका एक उदाहरण आप सूर्य भगवान में भी देखने वाले हैं, मैं दिखाने वाला हूं। अब तीसरे अब सारांश देखते हैं कि जो क्रिएशन से पहले मैंने कहा था निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था, जिसे मैं आइसोमर और नियॉन 21 के साथ दिखा के बता रहा हूँ, ये ही है जो से हम अंधकार कहते हैं या तमस कहते हैं, वेद कहते हैं, वो अंधकार है, वो डार्क मैटर है, ये जीवन का सत्य है, और यही सत्य काफी लोगों ने देखा है, जाना है, पहचाना। मगर महर्षि यज्ञवल्क्य के मृत्यु के कारण मुझे लगा कि ये जो मैटर है वो डेड स्टेट में है, वो अहंकार नहीं है, शून्य नहीं है, मगर शून्य स्टेज में है, पर मृत्यु स्टेज में है, शायद सिफर उसी से निकलता है, शायद इन्फिनिटी भी उसी के साथ जुड़ी हुई है, वो हम अगले में देखने वाले हैं। मगर जब क्रिएशन हुई थी आइसोमर्स और नियॉन 21 कोलाइड करने से मिलने के बाद नियॉन 22 के आइसोमर्स बने थे, जिसमें फिर रोशनी आई थी, सारा अंधकार आया था, ब्रिलियंस आई थी, वही गायत्री मंत्र में देख सकते हैं, वही चीज है जिसके आधार पे ये नीट जो आज का पीरियडिक टेबल मैं दिखा रहा हूँ उसके आधार पे ही बना है। अब इस आधार में आप देखेंगे तो जितने भी पीरियड्स हैं वो सात ही हैं, मीन हर चीज सात नंबरों की बनी है। और दूसरा ग्रुप की बात करते हैं तो आप उसमें 18 देख सकते हैं, यही आदि पराशक्ति है, यही उसका है। मगर इसमें मैंने ये दिखाया कि ये दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम जानने वाले हैं, वो हाइड्रोजन है जिसे मैं आदित्य कहता हूँ, सूर्य कहता हूँ, जो सन कहता हूँ, और दूसरी हीलियम है जिसे मैं अदिति कहता हूँ, जो सूर्य की माँ भी है और सूर्य की बेटी भी है। ये एक चीज है जो वेदों में और उपनिषद में दो अलग तरीके से दिखाई गई है। जैसे वेद में कहा जाता है कि अदिति दाक्ष की माँ भी है और बेटी भी है, ये लोग समझ नहीं पाए हैं। मगर उपनिषद में कहा जाता है कि अदिति आदित्य की माँ है और बेटी है, वहां पर आदित्य का इस्तेमाल किया है, दक्ष का नहीं। और मैं दक्ष ये जानता हूँ कि वो राजा है, वो हर सिस्टम का राजा है, तो राजा वही हो सकता है जो किंग है, जो सब जानता है। अगर वो नाम दक्ष है तो उपनिषद में उसे आदित्य कहा गया कि हम आदित्य में रहते हैं, तो हमें सूर्य ही हमारा प्रिजाइडिंग डेटी है, वही हमारा देवता है, जिसे हम सूर्य को समझ लेंगे हम सब चीज को समझ सकते हैं, तभी हम हाइड्रोजन को भी समझ पाएंगे, आदित्य को भी समझ पाएंगे, हीलियम को भी समझ पाएंगे, और अदिति को भी समझ। जिसने
हाइड्रोजन और हीलियम की जो क्रिएशन और फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्शन वगैरह है उसको जान लिया, वो कुदरत को आसानी से जान सकता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, जिसे मैं आदित्य या सन कहता हूं। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेचर है जो पीरियडिक टेबल में टॉप लेफ्ट साइड में है, फर्स्ट है। वो मोनो एटॉमिक लाइटेस्ट एलिमेंट है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है। उसे ही हीलियम बनी है और हीलियम से ही वो ही बनता है। और देखा जाए यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो मात्रा में एटम है वो हाइड्रोजन ही है, और ब्रायनिक मास के तरीके से 75% वही है। इसमें वन प्रोटॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, यही जीवन का सत्य है। एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डिवाइन नेचर के कुदरत के जितने भी पदार्थ हैं वो आसानी से हाइड्रोजन से ही बनते हैं, वो कोवेलेंट एलिमेंट बना देता है। अगर देखा जाए तो हर प्रोडक्ट वहीं से शुरू हुआ, तो जो पहला प्रोडक्ट मुझे नजर आता है जिससे सृष्टि बनी है वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ है, जिसे हम बेंजीन कह सकते हैं, और उसका जो नंबर है वो 10 ही है। उससे ही सारी एनर्जी आई है, वो ही बेंजीन रिंग है, वो ही जानने की हम कोशिश करते हैं। CH4 यही, और दूसरा जो प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन के साथ बनता है, जो माननीय है वो पानी है। और पानी में भी देखा जाए तो पावर ऑफ 10 ही है। मगर हम आगे जब बढ़ते हैं, मीथेन CH4 जो मैं पहली बात कर रहा था, मीथेन से कार्बन निकलता है, ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसकी पावर 22 है। ये भी जीवन का सत्य है। और अगर आपको कुदरत को समझना है आपको मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा, बाकी सारी विचारधाराएं अधूरी पड़ जाती हैं। जो मैथमेटिकली कंक्लूसिव है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड है, वही जीवन का सत्य है। वो वही चीज मैं दिखाने, आप ऊपर आदित्य का सिंबल देख सकते हैं, वो हाइड्रोजन का है। तो ये पहला है, और एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी पानी का जो हिस्सा है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हिस्सा है वो माननीय है। पानी से ही एसिड बेस बैलेंस बनता है, जब उसमें H ज्यादा हो जाए तो एसिडिक बन जाता है, OH हो जाए तो अल्कलाइन बन जाता है। ये भी मैं दिखा चुका हूं, जो जिसे समझ लेगा वो आसानी से उस चीज को समझ के आगे बढ़ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। जो हीलियम 4 है, जो अद्वितीय से निकलती है, हमारी सोल बनती है, वो दूसरा नेचर का एलिमेंट है। तो टॉप फर्स्ट पीरियडिक टेबल में लेफ्ट में हाइड्रोजन है, तो राइट में हीलियम है, यही दो है और तीसरा कोई नहीं है, यही जो प्राइम है जिसको जान लिया है। जो हाइड्रोजन फोर्म है वही सोल है, वही हमारी अंतरात्मा है, वेरेज नियॉन सोलर सिस्टम की आत्मा है, और आर्गन महाब्रह्मांड की आत्मा है, जिससे तीनों ही आत्मा को अनुभव कर लिया है, जान लिया है, उसके लिए सृष्टि का सारा ज्ञान उसकी मुट्ठी में आ जाता है, क्योंकि यही मैथमेटिकली कंक्लूसिव दे सकते हैं। इनमें ही सारी क्षमता है, यही ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी है। जिससे सूर्य भगवान को समझ लिया तो समझो अपने आप को समझ लेगा, अपना जिस्म को समझ लेगा, अपनी अंतरात को समझ लेगा, सोलर सिस्टम को समझ लेगा, और सोलर सिस्टम की हर चीज को समझ लेगा। 64 आर्ट्स को जानना उसके लिए मुश्किल का काम नहीं है। इसलिए आत्म ज्ञान होना या सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है। आप इसे लेके हम आगे चलते हैं। मैंने जैसे कहा था कि दक्ष किंग ऑफ गॉड है, जो वेद में कहा गया है कि उसके वो ही ईश्वर है, वही ओमनीपोटेंट है, वही अंतर्यामी है, अंतर्ज्ञानी है, अंतर्विज्ञानी है। जिसने वो जान लिया है, जिसने दक्ष को जान लिया है, वो सृष्टि को समझ सकता है। मगर ऋग्वेद में उनकी माता का नाम भी अदिति है, उनकी बेटी का नाम भी अदिति है। ये जीवन का सत्य है, ये शायद लोग नहीं समझ पाए, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। इस ऐसा वैज्ञानिक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, जिसे तर्क वितर्क करके हम इनकी हर खूबी को देखने के बाद संपूर्ण में आना है कि अंत में जाके हाइड्रोजन ही बन जाता है। ये देखना जरूरी है।
आप मैंने यह कहा कि गॉडेस अदित्रि जो भी मदर अदित्या में उपनिषद में दिखाई गई है, ये वही स्टेटमेंट है जो वेद में है, मगर इसे भी हम उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से उसको देखा है। आगे चलते हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि जिसने आत्मा को पहचान लिया वही परमात्मा को पहचान सकता है, वही सृष्टि को समझ सकता है। मगर जो एंशियंट इंडियन विजडम है जिसमें आत्मा का जो वर्णन है वो इस तरह से है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसे कोई मरोड़ नहीं सकता है, ये अंतर्यामी है, ये सच्चित आनंद है, यही सब जानती है, यही सब पहचानती है, ये सब का वर्णन आत्मा के साथ जुड़ा है। जो आत्मा को की इन खूबियों को देख लेता है वही परमात्मा को समझ सकता है, सृष्टि को समझ सकता है। ये जीवन का सत्य हमारे वेदों उपनिषद में है, मगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाए ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर स्टेज में हो जिसमें सारी क्वालिटी मिल जाती है, वो सिर्फ इनर्ट मैटर में नजर आती है, नोबल गैसेस में नजर आती है। नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी दे फॉर्म कंपाउंड विद अदर एटम्स करके बैलेंस बना देते हैं, जिसके आउटर ऑर्बिट मिलने के बाद संपूर्ण 2 या 8 या 10 संपूर्ण या आगे बन जाते हैं, वही बैलेंस बन जाते हैं। तो इनर्ट मैटर में भी वही चीजें हैं जो आत्मा में है, तो चाहे वो हीलियम 4 हो, चाहे आर्गन नियॉन हो या आर्गन हो, जिससे तीन को समझ लीजिए, वही सृष्टि को समझ, उसके आगे के जितने भी इनर्ट मैटर है वो अनस्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी में सिर्फ तीन ही है, हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है, क्रिप्टॉन और जिनोक्स में नहीं है। ये जानना भी साइंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज 3 हिस्सों तक जुड़ी है, पहला एक है, जब बनते बनते वो 3 में बन जाती है, ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन जो सन के कोर में चलता है, वो कहीं ना कहीं अदिति जो अदित्य की माँ है उससे शुरू होता है, उससे टूट कर हाइड्रोजन लेफ्ट में बन जाता है। हीलियम टू हाइड्रोजन वो माँ से बेटे के उत्पादन है, मगर उसके बाद हाइड्रोजन फिर मिलकर अदिति को बना देता है, वो उनकी बेटी बन जाती है, वही हमारी अंतरात्मा है। उसका जो छोटा सा हिस्सा है जो बाहर आ जाता है सन के बाहर, वही हमारी अंतरात्मा बनके उसी में वो क्षमता है स्टेबल रहने की, वही ज्ञानी विज्ञानी है। और जब वो हमारे अंदर आ जाती है तो उसके बाद जो भी हम काम करते हैं कान शरीर के उसके आगे पीछे रुक जाता है, जो उसे समझ जाएगा वो कुदरत के साथ आसानी से समझ सकता है। ये जीवन का सत्य है। ये सारा रिएक्शन हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में और हीलियम से हाइड्रोजन के बीच में सन के कोर में अदित्य के कोर में ही बनता है, ये चीज भी मैं दिखा चुका हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी सारी प्रेजेंटेशन को एज से लेकर आज तक देखें, आपको सब में दिव्यांग ही नजर आएगा, अखंडता ही नजर आएगी और कुछ नहीं है, कंक्लूसिव होगा, उसे कोई भी नकार नहीं पाएगा। यही जरा मैं हर इस विषय में यही दिखा रहा हूं कि ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज जब सम की बात आती है तो मैंने यही कहा है कि ये हाइड्रोजन हीलियम का जो प्रदर्शन है वो कोर में ही होता है, और जो उसकी अंदर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो जो सरफेस टेम्परेचर है सूरज की वो 6000 डिग्री के पास है, वो इतनी गर्म है उसमें बायोलॉजिकल लाइफ नहीं हो सकती है। जो भी हम मनुष्य हैं हमारी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है, तो जो सूरज की रोशनी आके सूर्य तक से हमारे भूमि तक आती है उसके आधार पे फोटोसिंथेसिस होके प्लांट किंगडम बनते हैं और हमारी उत्पादन सब उसी से है। बिना सूरज की रोशनी के ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं बन सकती है जो कुदरत से चाहे, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, और सबसे महान मनुष्य हो, सबके लिए रोशनी सूरज रोशनी का होना जरूरी है, उसके आधार पे ही हमारा जीवन है, नहीं तो हम कुछ नहीं बन सकते हैं। और यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूं कि जो एक त्रिकोण है
जिसे मैं बहुत मान्यता देता हूं, अगर आपको सूरज को जानना है तो भूमि को भी जानना है और साथ में चंद्र को भी जानना है। जिसने चंद्र, सूर्य और भूमि को जान लिया है, इन तीन चीजों को समझ लिया है, पहचान लिया है और पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से, अखंडता के साथ है, वो अपना जीवन आसानी से बन सकता है। कि हमारे अंदर भी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मैं ईड़ा को चंद्र के साथ जोड़ता हूँ, पिंगला को सूरज के साथ करता हूँ और सुषुम्ना वो एक वर्टिबल कॉलम जो है, जो बीच में है, वो भूमि है, जिसका सतन एक तरफ सूरज है और एक तरफ चांद है, और वो बीच में रहने पे ही आप सृष्टि को समझ सकते हैं। ये तीनों का संतुलन देख ले तो सबसे अच्छा है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि एन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन। मैं ये जितनी भी रेशा है इसको एक रोड नंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम दिव्यों को समझ सकते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर ही सूरज और भूमि के बीच में फर्क है। जो डायमीटर ऑफ सूर्य है इज 1.3914 मिलियन किलोमीटर है, और 150 को अगर हम 1.3914 मिलियन से देखें तो उसका नंबर 108 आ जाता है। ये भी जीवन का सत्य है, और इसके आधार पे मैं यही कह सकता हूं कि भूमि और सूरज के बीच में 108 सन बीच में आ सकते हैं। मैं सन की बात कर रहा हूँ, 108 सन्स कैन फिट बिटवीन अर्थ एंड सूर्य भगवान के बीच में है। ये भी जीवन का सत्य है। और मैं जानता हूँ पंचभूतों को जो मैंने सिंबल दिया है पेंटागॉन का, उसमें पांच एंगल्स हैं और हर एंगल का नंबर 108 ही है। इसलिए सनातन धर्म में माला जो बनाई जाती है, रोजरी बनाई जाती है, जप माला बनाई, उसमें 108 ही है, क्योंकि यही दिव्य नंबर है। ये भी एक खूबी इस चीज में उभर के आती है। जिसने इस चीज को समझ लिया कि यही नंबर है, अर्थ और सन, भूमि और सूर्य भगवान में 108 108 सूर्य बीच में आसानी से आते हैं, कम नहीं ज्यादा नहीं। ये एक ऐसा ज्ञान है वो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। दूसरी तरफ है सन और मदर के एक और एंगल है। अगर डायमीटर ऑफ सन तो मैंने आपको बता दिया 13.1940 किलोमीटर है। जो डायमीटर अर्थ है वो 12,880 किलोमीटर है। अगर हम सूरज की डायमीटर को अर्थ की डायमीटर के साथ डिवाइड करेंगे तो भी 108 नंबर ही आता है। हाँ, 107 नहीं है, 109 नहीं है, ये भी इत्तेफाक है। अगर डायमीटर की बात है तो उसमें भी 108 है, ये डिस्टेंस की बात है तो उसमें 108 सन है। ये अजीब नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर ही है। और ये खूबी है कि सनातनियों ने इस नंबर को ही जाना है, उन्होंने अनुभव किया था, वो यही दुनिया को दिया था। और मॉडर्न साइंस की कैलकुलेशन के आधार पे मैं यही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना वो जो स्टेटमेंट थे, जो विचारधारा थी, जो सोच थी, तर्क वितर्क करके अखंडता की जो सोच थी, वो मैथमेटिकली कंक्लूसिव यहाँ पे भी नजर आती है। और जैसे मैं सन में मैंने दिखाया कि अर्थ को डाला है, और मैं इसको 108 बनाऊंगा तो वो नजर नहीं आएगा। तो प्रिज्यूम कीजिए कि लेफ्ट से राइट तक, पूर्व से पश्चिम तक, जो पूरे डायमीटर में 108 भूमियां ही आएंगी। यही जीवन का दूसरा सत्य है। अब आगे चलते हैं। आप देखिए कि सूर्य भगवान अपने बीच में भी चल रहा है और दूसरे प्लैनेट के साथ भी चल रहा है, मगर जब उसकी अपनी अंतर भूमि जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ को साउथ बनने में 11 साल लगते हैं और साउथ को नॉर्थ बनने में अगेन 11 लगते हैं, तो दोनों मिलकर 22 ईयर्स ही हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? ये भी जीवन सत्य मैंने दिखाया है। अगर डिसेंडिंग पीरियड 11 का है, असेंडिंग भी 11 का है, ये जीवन का। और अगर सोलर कैलेंडर को देखें तो आप देखेंगे 365.25 डेज बनता है। अगर ल्यूनर कैलेंडर को देखें तो 354 ही है। दोनों में 11 दिन का जो अंतर है वो जो 11 फेजेस को ही दिखाता है। ये भी इत्तेफाक नहीं है। अगर कोई कहे कि कुदरत को इंसान ने बनाया है,
नहीं, कुदरत ने कुदरत बनाया परफेक्ट तरीके से बनाया है। उसमें शिव जी ब्रह्मा के 22/21 है, विष्णु के 10 स्टेजेस हैं और शिवा के पंचभूता हैं। जिसने समझ लिया, सृष्टि को समझ लिया, यही ज्ञान को मैथमेटिकल समझ लिया, वो संपूर्ण अखंडता समझकर ही अपने आप में संपूर्ण हो सकता है, संपूर्णता को देख सकता है। यही मैं दिखाने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि इसमें लोगों की विचारधारा काफी आगे बढ़ जाएगी। क्या इतनी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने जानना नहीं है, पहचानना नहीं है? मैं, क्योंकि मैं आत्मा के साथ जुड़ा हूं, मेरा गुरु मेरी अंतरात्मा है, गायत्री है, आदि पराशक्ति है, सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, भूमि माता है, तो मैं उनसे जो जवाब पाता हूं, जो आकाश कोष से मुझे जवाब मिलते हैं, क्योंकि मेरा संतुलन सिर्फ आकाश कोष के साथ जुड़ा हुआ है। आकाश कोष की जो मात्रा है, जिसमें सारा ज्ञान अतीत का, आज का और कल का है, वो आकाश कोष में है। उसकी जो वाइब्रेशन है 8.73 हर्ट्स है, जिसे हम रेजोनेंस फील्ड भी कह सकते हैं, आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं। इत्तेफाक से मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें बंद करके बना सकता हूँ और खोल के भी दिखा सकता हूँ, और कुदरत के साथ कभी भी हूँ। मुझ में और कुदरत में कोई अंतर नहीं है। यही देख कर, यही तपस्या है मेरी पिछले बचपन से लेकर आज तक, जिसके आधार पर ये ज्ञान को मैंने पाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि हर साइकिल में 360 डिग्रीज हैं, मगर किसी एक पर्सन ने मुझे एक सवाल पूछा था कि अगर सूर्य जो कैलेंडर है वो 365 डेज का है, इसमें 360 क्यों नहीं है? मगर उन्होंने ये भी कहा था कि इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया है। आप समझते हैं कि आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, कुदरत आपको सारे जवाब दे सकती है, तो आपके हिसाब से क्या है? तो मैंने उसे बड़ा आसानी से कहा था, अगर आप सोलर कैलेंडर को देखिए तो 365.25 डेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ल्यूनर कैलेंडर को देखें तो 354 डेज ही है। अगर ये दोनों नंबर को आप इकट्ठा करें, उसे 2 से डिवाइड करें, तो आपको 360 नंबर मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही डिवाइन मैथमेटिक्स है, और यही डिवाइन मैथमेटिक्स उन्हीं लोगों में है जो कुदरत के साथ जुड़े हैं, जो कुदरत को मानते हैं। और मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जो लोग कुदरत के साथ जुड़े हैं, जो ब्राह्मण के साथ जुड़े हैं, उन्हीं लोगों को हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा कुछ नहीं है। उसमें और ब्राह्मण के बीच में कोई अंतर नहीं है। वो जब भी कोई सवाल आएगा, सोचेगा, तो उसका जवाब ब्राह्मण ही उनको दे देते हैं, चाहे वो सरस्वती के माध्यम से हो, चाहे गायत्री के माध्यम से हो, चाहे अदिति के माध्यम से हो, आदि जो ज्ञान की देवी है वही है। उसका दूसरे दुनिया कोई भी नाम दे सकती है, मगर जो देने वाली है वो सरस्वती ही है। वही उसी गायत्री में भी है, वही आदि पराशक्ति में ही है, और वही अतिथि में है, मगर देने वाली देवी वही है। जिसे मैं बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि सरस्वती में ही वो सारे आधार है, कि उसमें सोचने समझने की पूरी क्षमता है, और उनका वाहन भी हंस है, जिसमें वो खूबी है कि कोई भी चीज हो, चाहे दूध हो, उसमें से पदार्थ ले लेने और पानी को छोड़ देना है। ज्ञान में सब लेना है, वो अखंड ले लेना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। वो क्षमता सरस्वती में है, वही हमसा में है, वही हम में होनी चाहिए। और मैं ये भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, हर इंसान में सारी देवी देवताओं की शक्तियां हैं। मुझ में ब्रह्मा की शक्ति भी है, विष्णु की भी है, शिव जी की भी है, सरस्वती की भी है, महालक्ष्मी की भी है, महाकाली की भी है, गायत्री की भी है, अदिति की भी है, आदि पराशक्ति की है। मुझ में ही सारी चीजें हैं। सबको एक समझ के यही बना, वही जो सब अपने आप को समझ ले, वो कुदरत को समझ सकता है, वही मैं दुनिया के सामने एक एक करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये पूरा से समझ लेंगे, आप पे कोई भी अज्ञान नहीं रहेगा। अज्ञान से ज्ञान तक फिलोसफी के लाद आसानी से हो जाएगा। ज्ञान से विज्ञान, साइंस तक ले जाना, मैथमेटिकली कंक्लूसिव डिजाइन बनाना आसान हो जाएगा। उसके आगे इम्पेकेबल विजडम, अब्सोल्यूट विजडम तक जाना आसान हो जाएगा। उसमें अखंडता आ जाएगी। जब पूरे का पूरा अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता एक में आ जाता है, आप आत्मा के साथ ही जुड़ जाएंगे, और आत्मा से सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद बिना किसी कोशिश
आपके मुंह में आ जाएंगे, आपके मन में आ जाएंगे, जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। और मैं बचपन से ही कोई भी मुझे सवाल मैथमेटिक्स का पूछता हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, किसी ने भी रिजॉल्व नहीं किया हो, तो मेरे मुंह से जवाब निकल जाता था और जवाब सवाल खत्म होने से पहले ही आ जाता था। मुझे कभी कभी लगता था कि ये कैसे है, तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, मगर आज मैं समझता हूँ कि वो मेरी आवाज नहीं थी, मेरी आत्मा की आवाज थी, अंतरात्मा की आवाज थी, गायत्री की आवाज थी, अदिति की आवाज थी, आदि पराशक्ति की आवाज थी। वो मुझे जवाब दे देते थे। उसके बाद मेरा एक ही काम है, जवाब तुम्हें दिया गया है, अब मैथमेटिकली कंक्लूसिवली मुझे डाउन का जान पहचान का दुनिया के सामने पेश करना है। ये जो कोशिश जब प्रयत्न बचपन से शुरू हो गया था, इसके शायद कारण यह है कि मेरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बचपन से लेकर आज तक आउटस्टैंडिंग है। मेरी कंप्लीट जो प्रोफाइल है वो किसी के हर तरीके से मुकम्मल है, अखंड है। उसका कारण यही है कि मैं जवाब नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ। जवाब तो उनसे आते थे, मैं उसको समझकर दुनिया के सामने पेश करने का प्रयत्न मेरा रहा है। उसी के आधार पर अखंड विद्या है, उसी के आधार पर अखंड सूत्र है, उसी के आधार पर अखंड गायत्री मंत्र है, उसी के आधार पर दिव्यंग है, उसी आधार पर मेरे सिंबल्स हैं, उसी आधार से ये सब चीज़ें मैं दुनिया को देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसे समझ लेंगे, हमारा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान एक अखंड हो जाएगा, दुनिया में द्वारा वेद उपनिषद और इम्पेकेबल विजडम या अखंडता दुनिया के सामने आ सकती है। हम सारी किताबें दिव्यंग को आधार करके, नई रिसर्च करके, परफेक्ट बना के दुनिया को देख सकते हैं, जिससे मैन मेड जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो जितने भी हमारी डिजाइन साइंस कर रही है, जो सक्सेस है वो उनके मैथमेटिकल डिजाइन के कारण नहीं है, थ्रू ट्रायल एंड एरर। और ट्रायल एरर में जो इम्प्रूव होके हुआ है वो भी सब अखंडता की तरफ या दिव्यंग की तरफ ही जा रहा है। और जब मैंने दिव्यंग दे ही दिया तो आपके परफेक्ट है। आप इसको ध्यान में रखते हुए नए रिजल्ट जो दुनिया के सामने पेश करते हैं उसमें अखंडता ही होगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा प्रयत्न है, यही मैं जानने की और पता कर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। आप सोलर सिस्टम और लूनर सिस्टम को कैसे कनेक्ट किया गया था, करेक्ट किया गया था, ठीक बनाया गया है, वो भी एक सत्य है। जैसे सोलर कैलेंडर है 365 डेज के, तो हम साल के देख देते हैं, और मैंने लिखा है कि 0.25 है। इसका ये मतलब कि 0.25 चार साल में एक बार बन जाता है। तो लीप कैलेंडर है, वंस इन फोर इयर्स है। सो सोलर कैलेंडर को ठीक उसी तरीके से लाने के लिए चार साल में एक बार उसे दोबारा किया, क्योंकि बीच में परिवर्तन नहीं है। अगर हम जनवरी को देखते हैं उसके 31 डेज ही हैं, या फरवरी को देखते हैं तो 28 डेज ही हैं, और मार्च को देखते हैं तो 31 डेज ही हैं, अप्रैल को देखते हैं तो 30 ही हैं, मई के 31 हैं, जून के 30 हैं, जुलाई के 31 हैं, अगस्त के 31 ही हैं, सितंबर के 30 हैं, अक्टूबर के 31 हैं, नवंबर के 30 हैं और दिसंबर के 31 हैं। वो नहीं बदलता है। तो बदलेगा तो वंस इन फोर ईयर्स कर सकता है कि चार साल में एक बार होने से वो कैलेंडर बराबर हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं जहाँ सोलर कैलेंडर की बात है वो 354 डेज हैं, और मैंने ये भी बताया है कि दिव्यांग के आधार पर मैंने देखा है कि सोलर कैलेंडर 29.52 डेज हैं, जिसके आधार पर मैंने लूनर सिस्टम से मैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो दिखाया था। वो भी अपना अनमोल है, जिसमें मैंने पूरी दुनिया के सारे ज्ञान को चैलेंज किया है, जो भी पढ़ाया गया लिखाया है जाना है पूरी दुनिया में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर हर किताब में जो भी है वो अधूरा है। उसकी जो रेशियो है 5, 8 और 13 की है, मगर हर सत्य में ये है 3 से शुरू होना चाहिए, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर ओवुलेशन है, फिर 8 है, फिर 5 है, तो संपूर्णता उसी में आएगी। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो जिसको पहचान लेगा वो आगे चलने के लिए आसानी से कर सकता है। अब आप आगे जाते हैं कि देयर आर 12 जोडियक साइंस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर 30 को, और जो चंद्रन है, सॉरी सैटर्न है, वो सन के में 30 साल लेते हैं। 30 को अगर 12 से डिवाइड करें तो 2.5 का एक एक साइकिल है, और 3 को मान्यता दी जाती है, एक पहले, एक ड्यूरिंग, एक बाद। ये भी जीवन का सत्य है। ये बताता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है,
वो संपूर्ण है। मुझे अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजर वो नहीं है जो कुदरत के साथ जुड़े हैं, मगर मैं समझ सकता हूँ कि दिव्य आधार पे अगर हमारे एस्ट्रोलॉजर भी एस्ट्रोनॉमी के साथ जुड़ के इसको देखेंगे, वो प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक ठाक कर पाएंगे। ये भी मेरी एक कोशिश है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये बताया है कि मरकरी जो है वो पहला प्लेनेट है सूरज के बाद। उसका जो डायमीटर 48794 है, अगर हम इसे डिस्टेंस के बीच में सूर्य और मरकरी के बीच में 60,217 मिलियन किलोमीटर है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 15 की है। अगर हम इस डिस्टेंस को 15 से डिवाइड करते हैं तो नंबर 4 आ जाता है, जो मूलाधार चक्रा की 4 लोटस पेटल्स हैं, कमल की पेटल्स हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, इसे गौर के साथ सुनिए। जो पहला प्लैनेट है वो मूलाधार चक्र है, उसके 4 पेटल्स हैं, ये जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। सन और वीनस, वीनस जो है वो दूसरा प्लैनेट है, स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस डिस्टेंस को देखा जाए तो आपको 6 नंबर के आसपास ही आता है, ये भी इत्तेफाक नहीं है। पहला 4 है, दूसरा 6 है। जब हम तीसरे पे चलते हैं तो सन और मदर अर्थ के बीच में आ जाते हैं, तो वो नाभि चक्र या उषी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो डिस्टेंस आप देखेंगे तो 10 बन जाता है। मूलाधार के 4 हैं, स्वाधिष्ठान के 6 हैं और नाभि उषा के 10 हैं। इसमें ये आप देखें, वही दिविंग सीक्वेंस है, 4 + 6 = 10। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये कुदरत की देन है। ये हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने चक्रा को जाना था, कुंडलिनी को जाना था, उन्होंने भी पहचान के दिखा दिया था यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ये इत्तेफाक नहीं है। अब मैं जितनी भी पुरानी चीजें हैं जिसे दुनिया ने इकट्ठी जोड़ कर नहीं देख लिया, मेरी यही कोशिश है जो भी शास्त्रों में है दिव्य के आधार पे, अखंडता के आधार के, और जो मॉडर्न साइंस की जो खूबियां हैं, जानी है, पहचानी है, जो मैथमेटिकल है, उसके आधार पर समझकर दुनिया के सामने पेश करने का एक प्रयत्न है कि जितने भी कन्फ्यूशन हैं वो खत्म हो जाए, हम एक जैसा नॉलेज पूरी दुनिया को दें। ये जीवन का सत्य, यही अखंड विद्याश्रम की सोच है, इसलिए वो फर्स्ट सेंचुरी इंपेकल बन जाता है। वही मेरी सोच है, यही मेरी तपस्या है, उसके आधार पर मैं दुनिया को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आगे चलते हैं। अगला जो प्लैनेट बीच में आता है वो मार्स है, मंगल है। अगर मंगल के डिस्टेंस को हम 15 से करें तो 16 बन जाता है, और विशुद्धि चक्र जो अगला इंपॉर्टेंट चक्र है उसके भी 16 पेटल्स हैं। यही सत चक्र निरूपणा कह रहे हैं। सत चक्र निरूपणा कहती है कि मूलाधार के 4 हैं, स्वाधिष्ठान के 6 हैं, नाभि के 10 हैं और विशुद्धि के 16 हैं। आप यहाँ पे भी आप देखते हैं 4 + 6 = 10 हो जाते हैं, 6 + 10 = 16 हो जाते हैं। सेम दिविंग सीक्वेंस देख रहे हैं आप, वही फाइव इनिशियल सीक्वेंस देख रहे हैं। अगर ये जो प्लांट के भी मैंने दिखाया था, अगर वही सोलर सिस्टम में भी, अगर प्लैनेट के साथ कनेक्शन में भी वही नीचे नजर आती है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि कुदरत ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है। मगर हमारी सोच इतनी परफेक्ट ना होने के कारण हमने परफेक्शन को, अखंडता को नहीं देखा है। जो भी मन में आता है दिखाते हैं, दुनिया को कन्फ्यूज करते जाते हैं। और मेरी कोशिश है कि अगर हमारे पास है, हम द्वारा शुरू करके दिव्यांग और अखंडता के आधार में संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता के साथ दे, ये इसमें बड़ा कामयाब होता है। अब आगे चलते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट को प्लैनेट नहीं माना जाता, मगर मैं समझता हूँ ये एक ही अनमोल जगह है, क्योंकि इसके साथ अजना चक्रा का है। अगर इस डिस्टेंस को हम 15 से डिवाइड करें तो 21 के पास आ जाता है। तो मगर इत्तेफाक से सत्यचक्र निरूपण में अजना के 2 हैं, और मैं मानता हूँ वो 2 नहीं है, × 10 times है, 10.344 है। अगर उससे देखा जाए तो ये 21 ही बनते हैं, 2 नहीं है। इत्तेफाक से उन्होंने 2 इसलिए लिखा था, मुझे नहीं पता है, मगर मुझे 21 ही लिखना है। वो 2 × 10.3441 है, यही जीवन का सत्य है और कुछ नहीं है। ये भी एक मैथमेटिकल ऐसा कंक्लूजन है जो कोई नकार नहीं सकता है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं अगले प्लैनेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जुपिटर है, उसके डायमीटर और डिस्टेंस के बीच में देखें, जो 15 से डिवाइड करूं तो वो 50 के करीब आता है,
और मैं कहूंगा हकीकत में 52 होना चाहिए, 750 की जगह 780 होना चाहिए। अगर 780 है, 15 से डिवाइड करेंगे तो वो 52 बनता है। और मैं जानता हूं कि जो विज्ञान चक्र है जिसका जिक्र सतचक्रा निरूपणा में नहीं है और मैं उसे हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ रहा हूं, उसमें 52 एलिमेंट्स हैं और मेरा जो विज्ञान चक्र है उसमें भी 52 ही हैं। इसलिए संस्कृत लैंग्वेज में भी 52 लेटर्स ही हैं, ये भी इत्तेफाक नहीं है क्योंकि वो कुदरत की देन है। तो संस्कृत भी कुदरत की है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही प्रज्ञान है, तो उसमें भी 52 शब्द हैं और 52 ही न्यूक्लिया हैं, ये जीवन का सत्य। इसलिए हम गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं, नॉलेजेबल है, ये भी जीवन का एक ऐसा सत्य है जो पुराने स्टेटमेंट को अब मैथमेटिकली कंक्लूसिव करके दुनिया के सामने हम बता पा रहे हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ये इत्तेफाक नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्लैनेट काम में आता है वो सैटर्न है। जब सैटर्न के डिस्टेंस 14492 को 15 के साथ जोड़े तो 96 बनता है, एंड 96 सहस्र चक्र का 1/10 है। ये प्रज्ञान चक्र है, पीनियल ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। ये 1000 का अगेन डिवाइडेड बाय 10.3441 है और कुछ नहीं है, जिसमें वही डिजाइन नजर आता है। 100 नहीं है, 96 है, इत्तेफाक नहीं है, यही जीवन का सत्य है। अगर जिसने समझ लिया, बीच के प्लैनेट और डिस्टेंस को आसानी से समझ सकता है। अब आप चाहते हैं इम्पेकेबल विजडम को आप देखें, तो मैं कहूंगा कि जो मरकरी है मूलाधार चक्र के साथ 4 है, वीनस के 6 हैं, अर्थ के 10 हैं, मंगल के 16 हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट की 21 है, मैं दिखा चुका हूं, उसमें भी दिव्यांग का आधार है। जुपिटर में 52 है और सैटर्न के 96 हैं, इसमें भी दिव्यांग ही उभर के आती है। जिसने इसको जान लिया, पहचान लिया, वो अगले सिंबल को आसानी से समझ पाएगा। ये जो सिंबल है इसमें सारे का सारा ज्ञान एक में ही है। अगर आप बाहर देखें तो 48 ट्रायंगल्स हैं, वो सूर्य भगवान की रोशनी को बाहर जाता है, और गायत्री 24 है, जो डायनेमिक्स में आता है 48 हो जाता है, वहां पे भी गायत्री के 24 48 बन जाते हैं, वही मैंने दिखाए हैं। मगर जो अंदर में है उसमें 24 ही है, वो गायत्री ही है, वही सूर्य भगवान की अंदर की शक्ति 24 है, बाहर की 48 है, वो आगे बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ सकती है, मगर इतने तक काफी है। मगर बीच में जो सूर्य भगवान को आप देखते हैं उसके 3 हिस्से हैं, ऊपर नीचे साइड, मीन उसके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं। यही चीज मैं माता वैष्णो देवी के टेम्पल में देखता हूँ, वहां 3 ही पिंडियां हैं और त्रिकुटा माउंटेन है, वही 3 चीजें हैं। आप नीचे देखें तो आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को देख सकते हैं, वो जो ईड़ा है वो चंद्र के साथ जुड़ा है, जो पिंगला है वो सूरज के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भूमि के साथ जुड़ी हुई है, ये भी जीवन का सत्य है। आप वो जो प्लैनेट देख रहे हैं, जो माइंड है उठा के ले जाता है, वो भी देख सकते हैं, कुदरत को भी देख सकते हैं, हर चीज है। मैं जगह कहूंगा कि पूरे का पूरा ज्ञान अगर अखंड सिंबल में एक तरफ है, दूसरा इस सिंबल में है। इसमें यानी इसलिए बताया क्योंकि इसमें वो मेडिकल सिंबल है जो वेस्ट ने भी बनाया है और भारत ने कुंडलिनी चक्र ने बनाया है। मैं दोनों को इम्प्रोवाइज करके उसमें नई डायमेंशन का दिखा रहा है कि दोनों की सेज एक ही है, समझ एक जैसी है। जब हम समझ लेंगे तो आगे आसानी से चल सकते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा है। जिसने जिसको समझ लिए, समझिए आप पूरी सृष्टि को समझ लेते हैं। मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी